नमस्कार प्रणाम आप सभी भाई बंधु के राम राम। समस्त फेसबुक फ्रेंड इंस्टा फ्रेंड सबके वेलकम। और बिना इन्फॉर्मेशन के जोनी लाइव बा लव यू ऑल। सबसे पहले तो ऑल लव यू जितने भी भाई मेरे मित्र साथी जुड़े हैं हमारे साथ अभी इतना जल्दी सबके प्रणाम सबके राम राम भैया। और बताई रहुआ सबे कैसन बानी का हो रहल बा। पहले जे भी निखे जुड़ल पहले सब लोग जुड़ जाए फिर हमनी के आज कुछ खास बातचीत कर जाए। बात तो कुछ खास बा वाह जय हो भाई हरिवंश यादव राकेश झा विराज कुमार कन्हैया मुखिया सन्नी सन्नी राजपूत रोशन सिंह रोहन सिंह सॉरी दीवाना राज रोशन थैंक यू दुर्गेश पाठक गीतकार छोटन मनीष नमस्ते बाबू खूब आगे बढ़िए पवन सरस्वत महादेव साहू मोहन यादव रोहित प्रेमी विराट तरुण तिवारी वाह भाई अपर्णा यादव नमस्ते सिंगर रोहित राय सी शेखर यादव शारदा देवी दुर्गेश जी मोहन राज बबुरा लव यू भाई चित्रंजन कुमार राजू प्रेमी मद्र महान खान क्या भाई पंटी बाबू फौजी नमस्कार देश का रक्षा करते रहिए चरण स्पर्श खूब खुश रहिए खूब आगे बढ़िए। लाइव है मैंने बत कही हमने होता हो तू बड़ा बॉर्डर पर हम बनी घर है अतुल पांडे पराशर विश्वकर्मा साहब सिद्धि शशि भूषण गुड मॉर्निंग बाबू राजकुमार मिश्रा एकदम जरूरत है बाबू पूरा जरूरत बा पूरा हमनी के एकदम यह चीज पर बानी जा रहब जा जैसे आप लोग चाह वैसा ही हमनी के रह जा रहा सब एक हिसाब से ही। दुर्गेश पाठक ओ अरुण जीत आशीष तिवारी मुकेश यादव धुपलेश यादव कृष्णा कुमार बा भाई सूरज सिंह गुड मॉर्निंग अभी गुड हाँ अभी गुड मॉर्निंग होता 12 बज गए बा हाँ हाँ बाबू एकदम काहे ना सरोज सैंडिल्य बहुत 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 धन्यवाद भाई इतना दुआ आशीर्वाद देवे खातिर आप ही लोग का दुआ और आशीर्वाद और प्यार तो है ब्रदर कि दिन रात हम लोग कहीं भी रहते हैं सुरक्षित रहते हैं स्वस्थ रहते हैं ये आशीर्वाद ही तो है। अगर रउरा सभे जुड़ गई बानी पूर्ण रूप से तो रउरा सभे के आदेश होई जब मैसेज आई कि अब हमनी के अपन बात कर जाओ तो अपन बात हमनी के रख सकी ले जाओ। हरिवंश यादव भाई बहुत बहुत आभार इतना प्यार देवे खाती छोटे बाबा गुड मॉर्निंग विजय गोस्वामी मन्नू सिंह बाह मन्नू बाबू कैसे हैं प्रयागराज में संदीप कुमार
कृष्णा कुमार जरूर जरूर भाई। आलोक द्विवेदी, अजीत तिवारी बाबा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। राहुल सिंह, विनीत कुमार यादव, आदित्य भाई ऐसा नहीं है, सब लोग एक दूसरे को हेल्प करता है, प्यार करता है। सुमन सुमन सुरेंद्र, शगुन जेडी सिंह, संदीप सुनकर गुड आफ्टरनून ब्रदर। मुकेश सिंह राजपूत जियो, खूब खुश रहा भाई, खूब आगे बढ़ो। जुनैद खान गुड मॉर्निंग। अब चलिए अपने विषय पे आते हैं हम लोग। मनीष गिरी जी गुड मॉर्निंग बाबू। अपर्णा यादव, अच्छा आप त्रिपुरा से हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए मेरे साथ। आज एगो विषय बा और एकरा के थोड़ा गंभीरता से आप लोग सुनब भी और एकरा पर अपन अपन कमेंट भी प्रदान करब। लेकिन सबसे पहले तो रुआ सब से नम्र निवेदन बा कि ज्यादा एक्साइटेड होके कोनो प्रकार के कुछ भी एग्रेसिव होके कोनो बात नहीं के बोले के। लेकिन एगो विषय बा छोटा से और एकरा पे हम बात करे चाहते हैं। रुआ सब के हम कभी ना बतौले रही, चाहे कलाकार आदमी बहुत कुछ अपन प्रॉब्लम ना बतावेला। विगत पिछले 20-25 दिन से रउरा भाई के ही का मतलब लगभग कलाकार के नाम पे सबके, लेकिन रउर भाई के स्पेशली बहुत सारा कुछ लोग टारगेट कर रहल बा। कुछ लोग हर बार मने खोला ना कि चली पहला दिन रउआ कुछ कह देनी तो ठीक, बाद में चुप लगा जला कि चल कलाकार हो का बोले के बा, हर बात पे रिएक्शन ना देवे के। बासुकीनाथ शुक्ला जी कोलकाता से नमस्ते, आपको भी कोलकाता में जय जय रहिए। तो राजीव कुमार बिक्की भाई बहुत सुंदर लागत नहीं, रहु बहुत सुंदर बनी भाई हमार। हरिवंश यादव, नंदकिशोर यादव, तो सभी भोजपुरी परिवार जितना भी भाई अभी हमरा के सुन रहा बड़े लाइफ में, हम ये बात मानता नहीं कि कोनो चीज के बात होला, बात होके के चाहिए। आज पूरा लगभग पूरा समाज पूरा लोग लागल बा और हमनियों के में साथे बनी जा। मान लीजिए कि भोजपुरी भाषा के ऊपर बात हो रहा है, भोजपुरी गीत संगीत के ऊपर बात हो रहा है, तो कोई पीछे नहीं है इसमें, हम सब लोग एक साथ है। हमारे लिए हमारे सभी कलाकार बंधु हम लोग साथ हैं। हमारे लिए जो गवर्नमेंट फैसला करेगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे, जो चीजों पर फैसला होगा, हम लोग साथ हैं। और हम लोग का यही काम है कि हम लोग अपने जनता को, अपने भगवान स्वरूप जो हमारे श्रोता बंधु हैं, हम उनको इंटरटेन तो करते हैं। हम हैं तो कलाकार, हम जाति से सिपाही तो है नहीं, हम हैं तो कलाकार ही, हमारा काम है इंटरटेन करना। लेकिन अगर उसमें कुछ गतिविधि है, और मैं हर व्यक्ति को नहीं बोल सकता हूं, सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना अंदाज है, लेकिन मान ली कि अगर कोनो भी विषय पर बात होता तो ओकरा खातिर सरकार बनावल बा, गवर्नमेंट बा, तरीका बा, सिस्टम बा। लेकिन यह सब सिस्टम के अलावा ई कौन सिस्टम बा कि रउरा केहू कलाकार बा तो ओकरा माई के, ओकरा बहिन के रोजगारी दी ही आ रउआ अपन नाम कमाई। तनी आज हम ई जानल चाहत नहीं कि जे भी भाई जे कहेला कि भैया हम रउआ सब से प्यार करी ले, हमनी के भोजपुरी से प्यार कर ले जा, हमनी के गाना सुनी ला जा, एक से गीत संगीत सुनी ला जा, तो रउरा सब आज यह बात के जवाब हम लाइव में रउए सब से पूछब कि ये कौन सा मने लिखा हुआ है संविधान में कि आपको अपना नाम करना है तो आप दूसरे को प्रतिदिन गाली दीजिए। इसका थोड़ा जवाब हम चाहते हैं आप लोगों से। आप खाली बता दीजिए कि कौन से संविधान में ये बात लिखा हुआ है कि किसी कलाकार को रोज आप गाली दीजिए, सुबह आंख खोलिए उठिए और आप गाली दीजिए और आप कहिए कि मेरा तो बड़ा नाम हो रहा है, मेरे को तो लोग जान रहे हैं,
हमको तो कल तक एक हमारे गली में कुत्ता नहीं जानता था, आज हमको तो बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। काहे भाई फॉलो कर रहे हैं? तो आप कभी कल्लू जी के पापा जी का फोटो लगा देते हैं और खूब गाली देते हैं, कभी आप अंकुश राजा जी का फोटो लगा देते हैं खूब गाली देते हैं, कभी आप खेसारी जी का फोटो लगाते हैं खूब गाली देते हैं। तो आप तो बहुत महान काम कर रहे हैं, आपके तो आसपास आपका फोटो लगा के लोग बहुत बोल रहे हैं कि बहुत महान काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी चीज का एक नियम बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, आपको क्या लगता है आप किसी कलाकार के माँ बहन को गाली दे रहे हैं, आप किसी कलाकार को रोज गाली दे रहे हैं, क्या उसका कभी खून नहीं खोलता है क्या? आप रोज रोज उसको टारगेट कीजिएगा, रोज उसके माँ बहन को गाली दीजिएगा, वो उसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? दीपक पाठक जी, हम एक बस बात पूछ रहे हैं कि अगर हर चीज के लिए कानून बना हुआ है, हर चीज के लिए सिस्टम बना हुआ है, तो सिस्टम फैसला करेगा ना। जिस दिन कानून आ जाएगा, सेंसर बोर्ड आ जाएगा, एल्बम का सेंसर होने लगेगा, चीजें होने लगेंगी, अपने आप सब चीज कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हर भोजपुरी गायक का फोटो लगा के, अब बताइए, कल्लू जी एक कलाकार हैं हमारे, छोटे भाई हैं, मैंने एक वीडियो देखा उनमें उनके पिताजी का फोटो लगा के और उनके बाप का फोटो लगा के और उनका फोटो लगा के, जो कि उनके पिताजी हम लोग के पिताजी हैं, गार्जियन हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि हमारे पापा डेथ कर गए हैं, पापा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बाप नहीं है, वो हमारे पिताजी ही हैं। और मैं उनका जब फोटो लगाया हुआ देखा गंदे तरह से, और उसपे एक तो वो घटिया इंसान जिसको कि बात करने की तमीज ही नहीं है, और उसको 10 लोग ये बता दिए हैं कि तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, तुम कलाकारों को गाली दे रहे हो तो। और हाँ, राज मिश्रा जी बहुत अच्छा बात बोले आप, मैं भी यही बता रहा हूं अपने दर्शकों को कि ये जो ड्रामा किया है ना, ये देख लीजिएगा, ये धीरे धीरे अपना यूट्यूब चैनल खोलेगा, ये कुछ दिन के बाद अब कलाकारों को, एक दो कलाकार से देखा, छोटे कलाकार से अपना गाना भी गवाया है, इसका धंधा देखिए। मैंने ये पूरे भोजपुरी पब्लिक 40 करोड़ लोगों को किस तरह से बेवकूफ बना रहा है और कितना दिमागी बन रहा है। कल मैंने एक अंकुश राजा जी का वीडियो देखा, अंकुश राजा जी का कोई वीडियो डाला था, उस पर गाली वाली पूरा दे रहा था, तो उसमें हमको, खैर हमसे उसको कुछ ज्यादा ही प्रेम है, खैर उसके माँ बाप को हम तो कभी गलत बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम असंस्कारी नहीं है, हमारे माँ बाप ने संस्कार दिया है, और ब्राह्मण कुल खानदान में पैदा हुआ हूं तो कम से कम इतना बना के रखता हूं और संस्कार दिया है। रही बात मेरे स्टेज का फोटो निकालते हो कहां का, तो आदमी जब परफॉर्मेंस करता है, इंटरटेन करता है, तो वो अपने दर्शक के बीच में करता है, इंटरटेनमेंट करता है। तो 40 करोड़ लोगों को फेसबुक पेज पे देखिए ये कैसे मूर्ख बनाता है। कल तक इसके गली का कुत्ता नहीं जानता था इसको, और आज ये कल्लू जी को गाली देके, अंकुश राजा को गाली देके, समर सिंह को गाली देके, गुंजन जी को गाली देके, सभी कलाकार को गाली देके, ये अपने आप को बोल रहे हैं कि मेरे को तो अवार्ड मिल गया। और नया चीज क्या सीखा है कि राकेश मिश्रा का गाना आ रहा है, कल बोला है, कल मैंने सुना कि कोई बताया हमको कि बोला कि जिलेबी का इंतजार कर रहे हैं, से जिलेबी आएगा ना तो इतना रिपोर्ट मारेंगे ना कि गनवे नहीं चलेगा। ऐसा है ना बेटा, एक बार, दो बार, तीन बार रडार में आ जाओगे ना। तुम राकेश मिश्रा को जो समझ के बैठे हो, तुमको अभी राकेश मिश्रा के विषय में पता नहीं है बेटा। मैं तुमको बोला ना कि कलाकार बहुत पेशेंस वाला चीज होता है, वो रोता भी है तो जल्दी किसी को दिखाता नहीं है। तुमको लग रहा है ना कि मैंने आज तुमको बता दूं, और कल दर्शक भी देखेंगे जो हमारे आज भाई लोग सुन रहे हैं, कल जिनेबी गाना आ रहा है भोजपुरी भाषा में पहली बार हिंदी के टक्कर का। ये हमारा गर्व है हमारे भाषा पे कि हम इतना आगे मेहनत करते हैं, सबसे बड़ी लागत से, सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करके बड़ा गाना लेके जिलेबी आ रहा हूं SRK म्यूजिक से।
और तुम बेटा बोलते हो मेरे दिन रात मेहनत को कि तुम दो मिनट में कुचल दोगे, और ये जो करोड़ों करोड़ जनता हमें प्यार करती है वो हमारी गार्जियन नहीं है, वो हमें प्रेम नहीं करते हैं, तुम्हारे कहने से सब लोग गाली ही देगा हा? अपना धंधा तुम चला रहे हो और सबको मूर्ख बना रहे हो, तुमको यही इसलिए मूर्ख बना रहे हो ना कि आज तक कोई कलाकार आके बोल नहीं रहा है सीधा सीधी हा? तू कहां पैदा हुआ है, तू पैदा कहां हुआ है, तू जहां पैदा हुआ है ना वहां के लोगों के सामने भी कुछ दिन के बाद तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि तू बोलता है ना कि मैं बहुत वो करता हूं। हर कलाकार को तुम एक ही तो बात बोल दी है कि कल्लू जी और कल्लू जी के पिताजी को जब इसने फोटो लगा के और गाली देना शुरू किया ना भाई, सच कहते हैं आंख भर गया, मतलब आंसू आ गया, दुख हुआ मन में कि देखिए आज के डेट में अगर एक कलाकार ही धरती पे कमजोर जात है क्या, जिसको जब मन करे जैसे मन करे जो मन करे तुम अपना नाम, अरे इतना ही तुम्हें औकात था, इतना ही तुम्हें गट्स था तो तुम मेहनत करके अपना नाम बना लिए होते, गाने तो तुम्हें आएगा नहीं, सरस्वती ने आवाज दिया नहीं है, तो सरस्वती ने आवाज नहीं दिया है तो तुम अपना नाम कमाने के लिए गाली ही दे सकते हो ना। तुमको जब गाने तो आएगा नहीं, बजाने आएगा नहीं, कोई क्वालिटी तो तुम में है नहीं, क्वालिटी तो है नहीं। और रही बात बेटा कि राकेश मिश्रा का जो गाना आ रहा है ना, तो इसके पहले तुम 3 बार किए हो और तुम्हारा स्क्रीनशॉट हम रखे हैं इसके पहले तुम, क्योंकि तुमको क्या लग रहा है ना कि तुम बहुत तेज हो, और जो 20 लड़कों को तुम गुमराह करके उनको बेवकूफ बना के अपना नाम बना रहे हो और उनको अपना चापलूस बनाए हो और बोलते हो कि सोशल मीडिया पे रोको और गाने पे रिपोर्ट मारो, तो बेटा 3 बार किए हो, 3ों बार का स्क्रीनशॉट रखा हूं मैं, और मैं अभी पब्लिक को तुम्हारा स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा, मैं रखा हूं, इतना रिलाई करूंगा ना कि शायद तुम फिर सपने में भी कल्पना नहीं करोगे, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अगर किसी दिन मेरा लाइव सुनेंगे ना, तुम बोलते हो ना रोज माननीय मुख्यमंत्री जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं आदेश दिया है कि तुम हर कलाकार के माँ बहन नहीं होती है, अब तुम्हारी माँ बाबू जी माई बाबू जी है, और तुम हर किसी को गाड़ी दोगे, हर रोज एक नया गायक, किसी दिन कल्लू जी को गाली दोगे, किसी दिन समर जी को गाली दोगे, किसी दिन अंकुश राजा को गाली दोगे, सबको गाली देके और तुम अपने आप को महान शील्ड लेके घूमोगे कि हम बड़ा महान काम कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं पब्लिक को कि तुम मुझे पर्सनली टारगेट क्यों किए हो, मैं बताता हूं आप सभी को बता दूं कि इसने मुझसे बोला, ये मेरे से एक दिन बात किया, तो इसने जब बात किया तो इसने क्या बोला कि मेरे साथ आप लाइव आइए, भाई तुम कौन से आज तक के पत्रकार हो, कौन से अंजना सिंह हो, कौन तुम क्या हो कि हम तुम्हारे साथ लाइव हैं, तुम्हारा नाम बनाने के लिए लाइव हैं, अब लाइव नहीं आए इसलिए गुस्से में लाल होकर सेकेंड डे मेरा कोई स्टेज प्रोग्राम निकाल के ये डाला पूरा। तो बेटा अगर तुमको इतना ही दुश्मनी निभाना है तो तुम्हारे साथ कल्लू जी चाहे राकेश जी चाहे कोई जी भी लाइव कहे आएंगे। अब अगर आप इसकी पॉपुलरिटी नहीं बनाते हैं, इसकी पब्लिसिटी नहीं बनाते हैं, अगर इसको आप भाव नहीं देते हैं, तो ये गरमा के क्या करता है, ये गरमा के गाली देता है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया है कि कल जैसे बोला अंकुश राजा वाले इंटरव्यू में कि मैं जिलेबी का इंतजार कर रहा हूं, बेटा जिलेबी को बनाने में ना गीतकार ने रात भर कलम चलाया है, म्यूजिक डायरेक्टर 10 दिन से धुन बना रहा है, एक कलाकार के तौर पे दिन रात गा के मेहनत करके उसको लगातार 3 दिन शूटिंग किए हैं हम लोग, एक कंपनी लगातार न जाने कितने पैसे लगाई है कि हम लोग एक एक बड़ा लेवल का वीडियो छोड़े अपने दर्शकों के लिए, और इतना मेहनत करने के बाद ना बेटा बैठे बैठे जो तुम गेम प्लान कर रहे हो ना, बस ध्यान रखना
बस इतना ध्यान रखना कि कोई अगर नहीं बोलता है ना तो बार बार उसको ना छेड़ो मत, ठीक ना। और सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है बेटा, जिस राकेश मिश्रा पे तुम उलझते हो ना बार बार, राकेश मिश्रा अजगर है। आज सुन लो, मैं लाइव में बोल रहा हूं, मैं जल्दी नहीं बोलता हूं। 14 हजार से भी ऊपर हमारे ऊपर समस्या आया हुआ, कहा दो कभी बोलते तो है ही नहीं। जब जब दुख होता है तब बोलता हूं, और इस बार दुख अपने लिए दुखी नहीं हूं। जिस दिन तुम कल्लू के पिताजी का मजाक उड़ाए ना, उसी दिन तुम नजरों में गिर गए कि तुमसे घटिया कोई नहीं हो सकता है। और ये जो महान काम तुम कर रहे हो ना, जो तुमको लग रहा है कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं, तो महान काम पता है किसे कहते हैं? विरोध करना चाहिए। विरोध हमेशा होता है, हर दिन सरकार के खिलाफ भी रैली होता है, विरोध होता है, कोई गाली नहीं देता है विरोध में। कोई गाली नहीं देता है। ये जो 20 करोड़ 30 करोड़ जनता है, ये रोज तुम्हारे मुंह से भजन सुनने के लिए तुमको नहीं सुनती है। आज तुमको नहीं पता है तो जान लो, पर्सनली रोज कम से कम 50 ऐसे मैसेज आते हैं कि भैया ये इतना घटिया बोलता है, इसका क्या किया जाए। मैं खुद बोल रहा हूं कि भोजपुरी भाषा में एक सिस्टम आएगा मेरे भाई, हम खुद बोल रहे हैं। अश्लीलता कौन, अच्छा कौन चाहता है यार कि हम अपने परिवार में नहीं बैठ के चीजें करें। कलाकार को खाली कमजोर समझ के आप लोग गाली गलौज देने का दोषी समझ लिए हैं क्या? राकेश मिश्रा ने विदाई गीत नहीं गाया, बेटी के ऊपर गीत नहीं गाया, निर्गुण नहीं गाया, पूर्वी नहीं गाया, काहे नहीं सुनते हैं? काहे नहीं सुनते हैं आप? जबरदस्ती करके रखे हैं, खाली कलाकार के ऊपर थोप देना है, केवल कलाकार को कमजोर मानते हैं आप लोग, कलाकार के ऊपर थोप देते हैं, काहे नहीं सुनते हैं? बेटी का विदाई गीत एक साल में 14,000 व्यू है, कल आप ही बोलेंगे कि भैया आप तो खत्म हो गए, अब तो गनवे नहीं सुनाई दे रहा है। सोनू राय कुमार जी, उसका चर्चा नहीं हो रहा है। एक बात जान लीजिए, जिस तरह वो पब्लिक को गुमराह बनाता है ना, आज लाइव आके पब्लिक को ये सच्चाई बताना था कि इसका सिर्फ एक ही काम है कि हर कलाकार को गाली देना और हर कलाकार से ये कहना, दबाव बनाना कि मेरे साथ लाइव आओ, और अगर वो लाइव नहीं आएंगे तो उनका जाके ढूंढेगा पूरा। बेटा तुम कहां लगी कुंडली निकाल रहे हो, तुम्हारा भी कुंडली निकल गया है, तुम कहां से कहां रह रहे हो और कहां से कहां जा रहे हो और कितना तुम्हारा ड्रामा चल रहा है। एक बात जान लो, हम लोग सच में हम कलाकार हैं, हमारी मजबूरी यह है कि हम हर बात विषय पे नहीं बोलते हैं। हम तुमको बोले ना कि तुम पहले दिन छेड़े, हम कुछ नहीं बोले। तुम फिर मेरे एक गाने के साथ रिपोर्ट छेड़छाड़ किए, मैंने कुछ नहीं बोला। तुम फिर किए, मैंने कुछ नहीं बोला। 3 बार हो गया है बेटा। और एक बात जान लो, अगर मेरे माँ को तुम बार बार टारगेट करोगे और माँ का गाली दोगे तो भाई गायकी रहले चाहे गईले, आ जान रहले चाहे गईले, तू जहां रह पता लोक ले तारा कम खोज ले भी जान लिया। क्योंकि तुम तो, तुम्हारे गली में कुत्ता नहीं जानता था ना तुमको कि तुम कौन हो, और आज तुमको लोग बोल रहे हैं कि अरे अरे बहुत पब्लिक सिटी हो गया है, तुम सबको गाली देते रहो, खूब गाली दो। इसमें भी तुम्हारे 2-4 भक्त होंगे, ऐसा नहीं है कि तुम भक्त अपना, तुम गुमराह तो ऐसा किए हो, दिमाग ऐसा सबका घुमाए हो ना कुछ लड़कों का कि तुम भक्त रेडी कर लिए हो, जो तुम्हारे भक्त में अंधा होके वो भी अपना संस्कार खराब कर रहा है। तुम तो बिना विहीन संस्कार के हो ही, तुम तो बिना संस्कार के हो।
तुम पर्सनली टारगेट करने आए हो ना कलाकारों को, तो ठीक है कोई बात नहीं। यूपी से बिहार तक कलाकार का हर जगह घर होता है बेटा। हाँ, अब तुमको रुपया मिलता होगा, ये खुशी की बात होगी कि तुमने जो धंधा अपना किया, तुम्हारा धंधा सक्सेस हो गया होगा। अब तो मान लो कि गाली देते 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 अब तुमको फेसबुक से रुपया भी मिलता होगा, कुछ दिन के बाद यूट्यूब चैनल भी चलाने लगोगे तुम। अरे आए तो तुम इसी धंधे के लिए हो ना। जलेबी को देख रहे हैं, जलेबी का इंतजार कर रहे हैं, जलेबी को रोक लेंगे। रोको बेटा, चलो क्या होगा, क्या होगा अगर तुम राकेश मिश्रा के, राकेश मिश्रा को अगर तुम 10 गाने बर्बाद कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा उससे? तुम्हारे 20 को चमचे मिलके अगर राकेश मिश्रा का 20 को गाना बर्बाद कर देंगे तो राकेश मिश्रा का एक ही छोड़ देंगे, यही ना सोच रहे हो? राकेश मिश्रा अपने घर बैठ जाएंगे, उनका परिवार खाने बिना मर जाएगा। बेटा बेटा, तुमको एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, जब मुझे पहुंचना होगा तो हम पहुंच जाएंगे। तुम उसके चमचा हो, चमचा बने रहो, ठीक ना? और चमचा हो तो हमारे आईडी से जल्दी निकल जाओ, तुमको ये भी बता दे रहे हैं। तुमको कलाकार और कलाकार के पिताजी का फोटो लगा के गाली देने का शौक हो गया है ना? और रही बात तो मुझे और मेरे करियर खराब करने की, तो इसके पहले बहुत लोग प्रयास किए हैं, लेकिन एक बात है कि जीवन में कभी किसी का मैंने खराब नहीं सोचा है ना खराब किया है। निरंतर अपना मेहनत और अपना काम करता हूं, और करोड़ों जनता का आशीर्वाद प्यार दुलार है मेरे साथ। हो सकता है कि तुम्हारे गलत फहमी में 10 लोग नाराज हो गए हों, लेकिन वो भी हमारे अपने परिवार हैं, और मेरे लिए सभी हमारे परिवार हैं। यही बात मैं भी बोल रहा हूं कि अश्लीलता का विरोध कीजिए, लेकिन हर कलाकार के मां बहन को उल्टा सीधा उसको गंदा बोल के ये रोज रोज अच्छी बात नहीं है। बर्दाश्त का भी एक सीमा होता है, और मेरे लिए तुम जितना मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लो, मेरे ऊपर ये एक करोड़ों करोड़ों दर्शकों का आशीर्वाद है यार। मुझे ये चाहने वाले, मुझे दिन रात सुनने वाले पिछले 14 साल से ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तभी तो मैं टिका हूं। आप मेरा गाना फ्लॉप करा देना, इसमें आपकी भलाई होगी, क्योंकि आप गाना फ्लॉप कराओगे तो उससे राकेश मिश्रा का इमेज खराब होगा, तो राकेश मिश्रा का गाना नहीं चलेगा, तो तुम कल पार्टी मनाना, अपने घर में खसी उसी कटवा लेना, कुछ अपने चमचों उमचों को बुला लेना कि देखो आज हम जीत गए जीत गए जीत गए। अरे तुम्हारा धंधा चल रहा है ना, तुम अपना धंधा बढ़ाओ, दूसरे को बर्बाद करके अपना घर बनाना, यही संस्कार होना चाहिए तुम्हारे अंदर जो अभी तुम रखे हो। ठीक ना? इतना ही औकात है ना बेटा, और सामाजिक हो तो जाके संसद भवन के बाहर खड़े होते तो समझ में आता, किसी दिन धूप में 4 दिन दौड़ते तो समझ में आता, बंद कमरे में बैठ के और सिस्टम कर रहे हो ना? हाँ? देखो कुछ हमारे भाई ही लिख रहे हैं, तुम्हारा घटिया लैंग्वेज सुनने में भी शर्म आता है। हम बोले ना कि इतना तुम टेंशन, मतलब इतना तुम टॉर्चर कर रहे हो ना, इतना टॉर्चर कर रहे हो जिसका हिसाब नहीं है, लेकिन अभी भी तुम्हारे माँ बाप हमारे माँ बाप के समान है। हम तुम्हारे माँ बाप को गलत नहीं बोलेंगे, तुम्हारी बहन को गलत नहीं बोलेंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बहन को गलत नहीं बोलेंगे। मगहिया मगहिया बोलते हो ना, पूरा मगहिया परिवार अपना परिवार है, सभी गार्जियन है। हम कलाकार एक ऐसे जात होते हैं कि दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, हर जगह हमें अपने माँ बाप की तरह ही प्यार मिलता है, और उस प्यार में जो तुम बंटवारा करने में लगे हो ना, जो अपना रोटी सेकने के और अपने अपने पैसा कमाने के चक्कर में जो सबको लगाए पड़े हो सिस्टम, वाह 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 वाह, हर इंटरव्यू में इसको
ये गाली किसी को दे, चाहे अंकुश राजा जी को गाली दे, कल्लू जी को गाली दे, खेसारी जी को गाली दे, पवन जी को गाली दे, किसी को गाली दे, बट इसके हर गाली में टारगेट राकेश मिश्रा रहते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं जिलेबी का, फ्लॉप करा ही दूंगा। हाँ? कितना अच्छा बात लिखा है प्रिंस भाई ने, अभी लिखे हैं प्रिंस भाई, पढ़ लो। तुम जो मूर्ख बनाने का ठीका लिए हो ना, और जो तुम बोलते हो ना कि हम पढ़े लिखे हैं और जनता तो हम जानते हैं कैसे गुमराह हो जाएगी, जो तुम गुमराह कर रहे हो, ये एक दिन बेटा तुम्ही पे भारी पड़ेगा, चिंता मत करो, हम सही बोल रहे हैं। एक कलाकार का बद्दुआ कभी खाली नहीं जाता, एक दिन तुम्ही पे भारी। तुम अपना मुंह दिखाने लायक अगर रह गए ना कुछ दिन के बाद, तो तुम बोलना। तुमको क्या लगता है कल्लू जी के पिताजी का फोटो लगा के और तुम गाली दे दिए हो तो तुम बहुत बड़ा जंग जीत लिए हो किसी के बाप को बदनाम करके? हैं, बहुत जीत गए हो। और जलेबी जलेबी तार का पार पछड़ल बनू कि जलेबी का हम रोक दे, ये करोड़ों करोड़ों दर्शक है बेटा, ये तुम्हारे ऊपर भी हैं। जब इनका हमला होगा ना तुम्हारे ऊपर, तो तुमको समझ में आ जाएगा। और कल तुम बोल रहे हो ना कि हम जलेबी रोकेंगे, तैयार रहना। तुमको कंपनी का नाम बता दे रहे हैं, SRK म्यूजिक से जलेबी गाना रिलीज हो रहा है, और शाम को टाइम भी तुमको पता चल ही जाएगा, क्योंकि तुम अपना अमचे चमचे बहुत लगाए हो। और रिपोर्ट मारने के बाद ये फोटो डलवाता है कि मैंने इनका गाना रिपोर्ट, अरे मैंने, देखिए कितना महान आदमी है, किसी के पेट पे लात मार के, किसी का मेहनत किया हुआ चीज को खराब करके, और ये अपने आप को बादशाह बताता है। बच्चा क्यों बना है? क्योंकि इसको पता है कि भोजपुरी कलाकार तो कोई उलझेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, किसी को कितना भी गाली दो क्या फर्क पड़ता है, सारे भोजपुरी कलाकार तो मतलब इसके नजर में वही मोगड़ा है, जो कि उनमें मर्दानगी नहीं है कि वो अपने माँ बाप का गाली सुन सुन के और चुपचाप बैठे हैं। तो भाई अभी तक तो है नहीं, तो अब तक समर सिंह हो, चाहे कल्लू हो, चाहे अंकुश राजा हो, जब ये निकल के आ जाएंगे तो ढूंढ नहीं लेंगे इसको, हर कोई ढूंढ लेगा भाई। भाई एक कलाकार का काम है गाना गाना, सब लोग इतना अपना ज्ञान देते हो, आपके माँ बहन को कोई गाली देता है तो कितना खराब लगता है, द्वार पे चढ़ जाते हो ना डंटा लेके। हाँ? और हम अपने माँ बहन का रोज गाली सुने किस लिए, किसके दबाव में हम गाली क्यों सुने, किसके दबाव में सुने? अरे तुमको गुमराह करना है तुम करो भाई, तुमको गुमराह करना है तुम गुमराह करो, हम तुमको मना नहीं किए हैं। तुम अभी तक तो गुमराह करिए दिए ना, आज 10 गो 20 गो 50 गो जो लड़के जो आज तुम्हारे गुमराही में तुरंत तुम्हारे चापलूसी करने में वो अगर गलत काम कर रहे हैं, तो ईश्वर देख रहा है ना कि किसी का ये खराब कर रहा है, तो किसी दिन उनको जब कुछ होगा, जब उनको हार्ट अटैक आएगा, जब उनको कैंसर होगा, वो मरेंगे, तब ना पता चलेगा कि हमने किसी का खराब किया था। और आप लोग ज्ञान देते हैं कि माँ बाप का गाली देता है तो आप लोग चुप रहिए, खाली गाना गाइए और माँ बाप का गाली सुनिए, काहे सुनिए? हम बोल तो रहे हैं, बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन डिसीजन लेंगे हम सभी लोग उनके साथ हैं। हैं? और जो जो विरोध करता है ना, ये भी बता दूं, ये बोलने पे तो थोड़ा आप लोग को भी बुरा लगेगा, जो सबसे ज्यादा विरोध करता है ना, अश्लील अश्लील बकता है अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए, वो बंद कमरा में हेडफोन लगा के सबसे ज्यादा सुनता है। हिंदी गाने आए हैं 9 बंगाली, देखे ही होंगे आप लोग ना, सब लोग देखा होगा, वो देखने में मजा आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परेशान नहीं की ब्रदर, हम बोले ना कि हम परेशान नहीं हैं, लेकिन आप किसी के बाप का फोटो लगा दीजिए, किसी माँ को गाली दीजिए, क्यों हर कलाकार के माँ बाप नहीं है क्या? दीपक ठाकुर जी आपको क्या बोलूं, बोल देता लेकिन बोलूंगा नहीं।
बस इतना ही बोल रहा हूं कि जो दिखावा में पड़े हैं ना आप लोग, उसका धंधा जो अपना रहे ना, उससे किसी का नाम नहीं होगा। प्रकाश कुमार गुप्ता भाई, और कल चलो हम तुमको बताते हैं, तुम हमको कल दे दिए हो ना कि हम ये करेंगे, अब कल हम तुमको बताते हैं। अगर ये करोड़ों करोड़ों लोग राकेश मिश्रा को दिल से प्यार करते होंगे और करते हैं, तो जिलेबी गाना रिलीज होगा, जिलेबी गाना रिलीज होगा, तुम्हारे चलते गाना रुकेगा थोड़े। तुम 50 नहीं 500 रिपोर्ट करना, और उसका स्क्रीनशॉट भी भेज देना मुझे, उसके बाद तुम अपना रिपोर्ट पता कर लेना। बस आज तुमको इतना हम बता दे रहे हैं, क्योंकि तुम करोगे ही, तुमको तो किसी ने बताया है ना कि भाई जिंदगी जिसका जितना करियर खराब कर सकते हो करो, इसी में तुम्हारी महानता है, तुम बहुत महान बन जाओगे, तुमको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। तो बेटा जो अपना रोटी सेकने के लिए दिमाग लगाए हो ना, तुम जो रोटी सेकने के लिए दिमाग लगाए हो, अपना रोटी सेको तुम, तुम्हारा अब पैसा वैसा भी फेसबुक पेज पे बनेगा। बहुत गाली दे दिए कलाकार को, और भी दोगे ही तुम, हमारा लाइव खत्म होने के बाद लग रहा है कि सबसे पहले हम ही को दोगे दो चार घंटा बैठ के गाली। तो गाली तो तुम्हारे संस्कार में, वो तुम करते रहना अपना, जो जो बकना है बकना। लेकिन जलेबी जो है ना, जलेबी SRK म्यूजिक से आ रहा है, कंपनी का नाम देख लो, सिस्टम देख लो, और टाइमिंग भी तुमको पता चल जाएगा। तुम अपनी ताकत लगाओ, जो मुझे करोड़ों लोग आशीर्वाद देकर 14 साल से बेटा और भाई की तरह पाले हैं, वो अपना ताकत लगाएंगे बस। और तुम मैंने ये तो गलती ही मत करना कि तुम कुछ मत करना, तुम बहुत कुछ करना, क्योंकि तुम्हारे ये करने से अगर राकेश मिश्रा करियर खराब होगा तो तुम्हारे बाबूजी तुमको सोना का कलम देंगे, समझ रहे हो ना, बहुत फायदा होगा। और जो ये सारे नौजवान भाइयों को जो तुम एक मूर्ख का दुकान समझ रखे हो ना, कुछ दिन के बाद यही तुमको शुरू कर देंगे, टेंशन मत लेना। जो जिनको आज तुम वो समझ रहे हो ना कि तुम्हारे कहने पे, देख लेना। तुम अपना कैंडिडेट तैयार करके रखो, और इतना तुमको बता दे रहा हूं कि पहला दूसरा तीसरा तक माफ था, तुमको मेरे से लगने का बहुत शौक हो गया है, बहुत शौक हो गया है। तुम अब अपना काम करो, हम भी अपना काम करते हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, जो सरकार निर्णय लेगी, हम सभी कलाकार उसके साथ हैं, रहेंगे, थे और हमेशा रहेंगे, ठीक है। तुम अपना पब्लिक सिटी बनाते रहो, धूप में तो पब्लिक सिटी बनाना नहीं है, उदारी थोड़े चलाना है, खाली गालियां ना देना है, गाली देते रहो, कभी अंकुश राजा को, कभी राकेश मिश्रा को, कभी समर सिंह को, क्योंकि वो सब तो इंसान है नहीं, उनकी माँ बहन है नहीं, उनके बाप तो बाप है नहीं, बस तुम गाली देते रहो। कोई बात नहीं ब्रदर, एक प्रयास किया हूं, और मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि भोजपुरी संगीत में जो अभी तक मैंने गीत संगीत गाया था, उसमें एक बहुत बड़े बजट का बहुत महंगा गाना जो कि SRK म्यूजिक से लेके आ रहा हूं, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और आप लोगों का आशीर्वाद प्यार दुलार बहुत मिलेगा। जिसको रोकना है वो रोके, कोई बात नहीं, अरे क्या होगा, मेरा किया हुआ 20 दिन का मेहनत तुम खराब कर दोगे, कर देना भाई, तुम भगवान बन के बैठे हो, हम लोग तो इंसान है, कलाकार हैं, छोटे मोटे लोग हैं, हमारी कहां हिम्मत है कुछ, हम तो गाली सुनेंगे, 10 बार गाली दोगे तो 11वां बार गुस्सा आएगा, तो हम अपनी बात रखेंगे ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आशीर्वाद प्यार दुलार मिले, यही उम्मीद करते हैं। जय हो भोजपुरिया समाज।